दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लोकसभा इलेक्शन के बाद से 8 लिंचिंग, 6 हुजूमी तशद्दुद, 3 बुलडोज के वाकयात में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। APCR की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मगरबी बंगाल में तशद्दुद की हालिया लहर के नतीजे में गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान हुजूमी तशद्दुद के 12 अलग अलग हमलों में 4 अफराद हलाक। दोस्तों पहले हम अगर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की रिपोर्ट पर नजर डालें तो एक परेशान कर देने वाली रिपोर्ट जारी की है। APCR में हालिया इंतखाबी नतायज के बाद तशद्दुद और शहरी हकूक की खिलाफ वर्जियों में तेजी से इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबी नतायज के ऐलान के बाद से 8 लिंचिंग, हुजूमी तशद्दुद के 6 वाकयात और गैर कानूनी मसमार यानी बुलडोज करने के 3 वाकयात रूनमा हो चुके हैं। रिपोर्ट में मुख्तलिफ रियासतों में होने वाली 8 लिंचिंग पर रोशनी डाली गई है। इन वाकयात में बुनियादी तौर पर अकलियती कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है, जिनमें ज्यादातर मुतासरीन पर गाय के ज़िबह या दीगर सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाया गया है। APCR ने मुतासरा कम्युनिटीज के लिए फौरी अदालती मुदाखलत और तहफ़ुज़ का मुतालबा किया है। हुजूमी तशद्दुद के 6 वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें बड़े गिरोहों की तरफ से अफवाहों या गैर तस्दीकशुदा इल्जाम की बुनियाद पर अफराद या कम्युनिटी पर हमला करना था। इन हमलों की वजह से संगीन चोटें आई और बाद सूरतों में हलाकतें हुई। APCR गलत मालूमात फैलाने में सोशल मीडिया के किरदार को वाजह करती है, जो उन पर तशद्दुद हमलों के लिए उकसाती है। मसमारी के वाकयात मध्य प्रदेश के मंडला में हुकाम ने मुबीने तौर पर गाय का गोश्त रखने के बहाने मुसलमानों से ताल्लुक रखने वाले कई घरों को मसमार कर दिया यानी कि बुलडोज कर दिया। तमाम पुलिस ने दावा किया कि इंतजाम की वजह यह है कि मकान सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में हुकाम ने रतलाम जिले के जोड़ा में एक मंदिर में गाय के वाकयात फेंकने के इल्जाम में 4 मुसलमान मर्दों को हिरासत में लेने के फौरन बाद उनके घरों को मसमार कर दिया। ये उस वक्त हुआ जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मसमार करने के खिलाफ एक अर्जी की समाअत हो रही थी। इंतजामिया ने 16 जून को दोपहर 12:30 बजे करीब इंतजामी नोटिस जारी की और उसके फौरन बाद मसमारी शुरू हो गई। अदालत ने 12:30 बजे करीब हुक्म इम्तना जारी किया, लेकिन घर पहले ही 12:30 से 1:30 बजे के दरमियान मुनजिम हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के अकबर नगर इलाके में एक और बड़े पैमाने पर मसमारी की गई। APCR की रिपोर्ट भारत में इंतखाबात के बाद के दौर की एक संगीन तस्वीर पेश करती है। दोस्तों जिसमें तशद्दुद और हुकूक की खिलाफ वर्जियों में नुमाया इजाफा हुआ है। तंजीम की जानिब से कार्रवाई के मुतालबे का मकसद अमन की बहाली और मुतासरा कम्युनिटीज के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती और सामाजिक कोशिशों को तेज करना है, ये APCR का कहना है। दोस्तों आइए बात करते हैं मगरबी बंगाल की। मगरबी बंगाल में तशद्दुद की हालिया लहर के नतीजे में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान हुजूमी तशद्दुद के 12 अलग अलग हमलों में 4 अफराद हलाक और 10 दीगर जख्मी हुए हैं। तशद्दुद में यह खतरनाक इजाफा 19 जून को शुरू हुआ और उसने बुनियादी तौर पर माशी और सामाजिक तौर पर पसमानदा गिरोहों को अफराद को निशाना बनाया। यानी पसमानदा से मुराद ये कि वो गैर मुस्लिम है, पसमानदा तबका से वो ताल्लुक रखते हैं। लिंचिंग के वाकयात तो वैश्यने हमलों की एक सीरीज है। हुजूम की तरफ से चोरों का लेबल लगाकर 4 अफराद को मार मार कर हलाक कर दिया गया। मुतासरीन के अहले खाना ने इन इल्जाम की सख्ती से तर्दीद करते हुए कहा कि इनके प्यारे बेकसूर थे, इनके रिश्तेदार बेकसूर थे और वो बेबुनियाद अफवाहों का शिकार हुए थे। अगर हम बात करें तो नंबर 1 झारग्राम मिडनीपुर, 22 जून को जम्बूनी में हुजूम ने 2 नौजवानों पर हमला किया, इनमें से एक सौरभ 30 जून को जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। ये जो है पसमानदा तबके से ताल्लुक रखता है, हिंदू है, गैर मुस्लिम है, इसे भी मारा गया। सौरभ के अहले खाने का दावा है कि उस पर एक पुर्जे चुराने की कोशिश का गलत इल्जाम लगाया गया था। नंबर 2 अगर हम बात करें दर भशीनी पांडवा, जहां पर 28 जून को विश्वजीत मुन्ना को मुकामी लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, जिन्होंने उस पर 50,000 रुपए चुराने का शुबा किया। उनकी मौत के सिलसिले में 2 ताजिरों विकास समानता और उनके बेटे दीपाकांता समानता को हिरासत में लिया गया है। नंबर 3 बो बाजार कोलकाता,
26 जून को इरशाद आलम एक टेलीविजन की मरम्मत करने वाले तालिब इल्म के हॉस्टल में जबरदस्त दाखिल हुए और क्रिकेट के बल्ले और हॉकी स्टिक से मारा पीटा। बाद अजा वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। नंबर 4 पॉलीनाइट मिधा नगर 27 जून को परसेन नामी एक 26 साल शख्स को रात भर पीट पीट कर मारा गया और जिसकी मौके पे ही मौत वाकई हो गई। हुजूमी तशद्दुद के वाकयात लिंचिंग के अलावा इस अरसे के दौरान हुजूमी तशद्दुद के कम से कम 8 दीगर वाकयात हुए हैं। कुछ मुतासरीन को पुलिस ने बचा लिया जबकि दीगर को शदीद चोटें आई। परबाकर कुट्टी गांव 12/7/19 जून को एक 34 साल मुस्लिम खातून नेहरा बानू पर एक खातून रिश्तेदार के साथ हमला किया गया। रेस्टोरेंट की तलाशी के दौरान उन पर चाइल्ड लिफ्टर होने का झूठा इल्जाम लगाया गया था। बानू ने अपनी आप बीती का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने उन्हें बताया कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने मुझे मारने के लिए लाठी और लोहे की रेंज का इस्तेमाल किया। हुकूमती रद्दमल और कानून साजी की चैलेंजेस, ममता बनर्जी की क्यादत में मगरबी बंगाल की हुकूमत ने इन वाकयात के सिलसिले में 50 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है और उनके खानदानों के लिए 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली से एक हालिया खिताब में स्पीकर बिमन बिंदुपा उपाध्याय ने मगरबी बंगाल प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2019 को मंजूर करने में ताखिर पर तनकीद की। ये बिल जिसे असम्बली ने मंजूर किया था गवर्नर की जानिब से मंजूरी के लिए जेरे इल्तवा है। बिंदु उपाध्याय ने दलील दी कि इस बिल की रिफाज में हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त इकदाम मुतारिफ करवाए गए हैं। ऐसे वाकयात को रोका जा सकता था जिसमें जान लेवा लिंचिंग के लिए मौत की सजा और रोकथाम की कोशिशों की निगरानी के लिए नोडल ऑफिसरों की तकरीर शामिल है। इस बिल को गवर्नर की मंजूरी मिलनी चाहिए थी। अगर गवर्नर ने इस बिल को मंजूरी दे दी होती तो मगरबी बंगाल में लिंचिंग के या बंगाल में लिंचिंग के वाकयात रुनुमा नहीं होते। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में हुजूमी तशद्दुद और लिंचिंग के हालिया वाकयात ऐसे जुराइम को रोकने के लिए मौसर कानून साजी और इंतजामी इकदाम की फौरी जरूरत को उजागर करते हैं। मगरबी बंगाल प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2019 के नफाज में ताखिर इन अलमनाक वाकयात की दरमियान तनाज़े का एक अहम नुक्ता बनी हुई है। दोस्तों, ये थी आमना सामना मीडिया की खास रिपोर्ट। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी होगी सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।